अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, दिस वाज अबाउट यूनिवेरिएट आउटलायर्स और उसको फिक्स करना था. सो अगर हम ये पहला वाला देखें, दिस इज़ अ मिसिंग वैल्यू. हमारे पास मिसिंग वैल्यू के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं. मसलन हम इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो हम बेहतर अप्रोच नहीं होगी क्योंकि हमें नहीं पता ये कॉलम कितना हेल्पफुल हो सकता है. हम इस रो को रिमूव कर सकते हैं, अगेन दैट मे नॉट बी अ गुड चॉइस क्योंकि हमारे पास वैसे ही डेटा काफ़ी कम है. हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो भी अच्छी अप्रोच नहीं होगी क्योंकि काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, हमें इसको इतनी बार कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी सब के साथ डुप्लीकेट करना पड़ेगा. इस तरह से हम लोकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी ये काम कर सकते हैं, ये डुप्लीकेशन वाला. बट आई थिंक द बेटर अप्रोच वुड बी टू यूज़ मॉड बेस्ड हैंडलिंग ऑफ दिस मिसिंग वैल्यू. सो उस केस में हम क्या करेंगे, आप अगर देखें सो पेशावर इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और हम उसको यहाँ पे पेशावर लिख देंगे कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है इस कॉलम के लिए, सो शायद यहाँ पे भी वैल्यू जो है वो चांसेस आर के ये भी पेशावर ही होगा. दूसरा जो आउटलायर है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इसके लिए आप कोई मैथमेटिकल जो हमने टेक्निक्स डिस्कस की थी वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. और इन दोनों कॉलम्स में अपेरेंटली कोई आउटलायर नज़र नहीं आ रहा, ऑल्दो आप उसको उसको कोई भी अप्रोच यूज़ करके चेक कर सकते हैं. दिस वैल्यू लुक्स लाइक एन आउटलायर. सो अगर हम प्राइस के ऊपर आउटलायर डिटेक्शन की टेक्निक लगा दें, और हम उसके लिए लेट्स से इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो अप्रोच है वो यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट वी विल हैव टू ऑर्डर ऑल दीज वैल्यूज. सो वी हैव 5, 6, 11, sorry 10, 11, 13, 5, 6, 10, 11, 13 and 1005. सो दीज आर ऑल द सिक्स वैल्यूज वी हैव कॉट. और हम पहले फाइंड करेंगे 50th percentile. सो द मिडिल वैल्यूज ऑफ दिस ऑर्डर्ड लिस्ट इज दिस टू. सो हम इसका एवरेज ले लेंगे, और हमारे पास Q50 जो है दैट इज गोइंग टू बी 10.5. अगर हमारे पास मिडिल वैल्यू ना हो, वेन द वैल्यूज आर इवन, तो हम मिडिल जो दो वैल्यूज हैं उसका एवरेज ले लेते हैं. अगला जो स्टेप है दैट इज टू फाइंड द Q25 वैल्यू. सो ये जो हमारा हाफ है, इसमें हमारे पास जो Q25 वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस हाफ लिस्ट. सो दैट इज गोइंग टू बी 6. और Q75 जो है दैट इज गोइंग टू बी द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस हाफ, और वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13. Now to find interquartile range we'll have to subtract Q25 from Q75, so that is going to give us a value of 7. और फिर हम k की वैल्यू को यूज कर सकते हैं. जनरली वैल्यूज बिटवीन 1 and 4 इज यूज. सो लेट्स से अगर हम उसकी वैल्यू 2 रख लेते हैं, हम कोई 2.5, 2.7 फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी रख सकते हैं. सो 7 into 2 इज गोइंग टू गिव अस 14. दिस इज वॉट वी कॉल कट ऑफ. कट ऑफ आ गया. सो नाउ द रेंज इज गोइंग टू बी IQR माइनस कट ऑफ. सो IQR इज 7 जो यहां से हमें मिला है. 7 minus 14 इज गोइंग टू गिव अस अ वैल्यू ऑफ 7, एंड 7 plus 14 इज गोइंग टू गिव अस अ वैल्यू ऑफ 21. So this is the range of normality. This value is out of this range, so it is detected as an outlier. Baki sari values jo hain wo is range ke andar hain. Oh, this is -7. IQR is 7, 7 minus 14. Yes, this is -7. So -7 to 21 is the range of normality, or anything outside of this range is going to be considered as an outlier. Now we have detected this value to be an outlier. अब हमें इसको फिक्स करने के लिए भी कोई अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट वी मे यूज द एवरेज, और सिंस दिस इज डिटेक्टेड एज एन आउटलायर सो वील इग्नोर दिस वैल्यू, एंड द अदर वैल्यूज आर 5, 6,
10, 11, 13, और इसका एवरेज जो होगा दैट विल बी 11 प्लस 10 21, 31, 32, 32, 42, 45. सो 45 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 45 डिवाइडेड बाय 5 इज गोइंग टू बी 9. सो द इवेल्यूएटेड वैल्यू फॉर दिस इज 9. सो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा.